बिलासपुरी में ज्योति समाधान पीठ द्वारा आज एक कार्यक्रम किया गया। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूदा एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम आचार्य अनुपम जोली है, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, करीब 94 से ज्योतिष कर रहा हूँ, 98 से मेरा संस्थान ज्योतिष पढ़ाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरी ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पर मेरे अपना एक डॉक्यूमेंट्री है जो वहाँ के स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, अपने एजुकेशन में शामिल कर रखा है। ज्योतिष को हमने विज्ञान के रूप में लिया है और एजुकेशन के रूप में लिया है, इसे अंधविश्वास के रूप में नहीं लिया। आज का जो आयोजन था वो आयोजन डायबिटीज़ जैसे एक रोग जो आजकल बहुत सामान्य हो गया, शायद हर घर में एक आध व्यक्ति या हर 10 एक व्यक्ति में एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित मिलता है। और जब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके खाने पीने में पूरी रोक लग रही है, आपका जीवन शैली पूरी बदल जाती है, तो उसके कारण और निवारण को लेकर आज के दिन एक मंथन किया गया जिसमें ज्योतिषाचार्य जो ग्रहों के द्वारा क्या रीज़न रहते हैं कि डायबिटीज होती है या उसका निवारण क्या है ज्योतिष के द्वारा, उसको बताया गया। योग के विद्वानों ने योग के द्वारा बताया और बहुत सारे इसके अलग अलग आयुर्वेद के जितने भी अल्टरनेट साइंसेज हैं उन सब साइंस के लोगों ने यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए और अपना अपना रिसर्च वर्क रखा। मैं आप दर्शकों के लिए एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ, सारे रिसर्च वर्क में ऐसा बात जो आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ पर मानते नहीं हैं, जापानियों का एक रूल है 5000 कदम डेली चलना। उनकी लंबी आयु वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबी आयु वाले जापानी होते हैं, वो 5000 कदम डेली चलते हैं। अगर डायबिटीज से बाहर निकलना है तो 5000 कदम डेली चलें। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में 6ठा घर रोग का है और 12वां घर पैरों का है। ज्योतिष में डायबिटीज़ के जो पचाने वाले अंग हैं, जो चीनी को पचाते हैं, वो 5वें घर में आते हैं। 5वें घर में पिंडली है, हृदय का जहाँ संचरण होता है वो 4था घर है, उसके सामने जो है वो घुटना है। तो घुटना मोड़ें, पैरों को चलाएं और डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर चलें, निश्चित रूप से बीमारी आपको छुएगी नहीं। और अगर आप देखें तो आज से करीब पिछली पीढ़ियों में अगर हम देखें, अपने माता पिता को देखा होगा या उससे पहले दादा दादी को देखा होगा, तो मुझे लगता है कि दादा दादी वाली पीढ़ी के अंदर हम सब ने देखा होगा ये रोग इतना नहीं था, वो खूब चलते थे। आज हम बहुत ज़्यादा अपने आप को विज्ञान के कारण से ही सुविधाजनक हमारी ज़िंदगी हो गई है, हम घर से बाहर भी निकलते तो कार में बैठ के निकलते हैं, चाहे वो पान खाने भी निकल रहे हैं तो घर के पड़ोस में पान खाने के लिए कार में जाते हैं। नहीं, अपनी आदतों को सुधारें, लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों पर चलेंगे निश्चित रूप से ठीक होगा। ये मैं ज्योतिष से बोल रहा हूँ और उसको मैंने उसके भावों से आपको जानकारी दी है। और इस प्रकार से इतनी छोटी सी बात है और हम सब अपना सकते हैं और बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। हमारा हृदय का जो संचरण है वो भी हमारे चलने से ठीक होता है, रक्त संचरण, हमारे पेट की जो स्थिति है वो भी हमारे चलने से ठीक होती है। तो जब चलने से सब कुछ ठीक होता है तो चरैवेति हमारे ग्रंथों में बोला है, निरंतर चलते रहो, हमारे जीवन में तरक्की भी करो और स्वास्थ्य भी प्राप्त करो। समाचार वार्ता के लिए कुणाल शर्मा और साहिल भामरी की रिपोर्ट।